हे गाइस, तो कैसे हो सारे? तो आज हम लोग आए, अरे यार चलो अंदर जाके बात करता हूँ। अच्छा तो लाइट देकर बैठा जाए और उसके बाद देखा जाए क्या ऑर्डर करना है नहीं करना है। तो चलो थोड़ा सा पहले कैमरा सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग से बात करता हूँ। अब देखते हैं कि मेनू में यहाँ पर बेस्ट बेस्ट आइटम मिलता है जो कि मैं मंगवाऊँ और आप लोगों को रिव्यू करके बताऊँ। तो चलो पहले देख लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ कि मैं क्या मंगाने वाला हूँ। एक काम करो, जब तक मैं देख लेता हूँ उसके बाद ऑर्डर कर लेता हूँ, तब तक आप लोग थोड़ा बहुत शॉर्ट्स इन्जॉय करो। एक प्लेट मटन बिरयानी हो जाएगा ना, और एक प्लेट मतलब यहाँ पर ही मैंने यहाँ पर ही मटन बिरयानी तो ऑर्डर देना चालू ही करा कि ये लोग कंफर्म करने गए कि यहाँ पर ही वो है कि नहीं, मेनू में है, स्टॉक में है कि नहीं। बस मटन बिरयानी में टाइम लग जाएगा, बस मटन बिरयानी में टाइम लगेगा। तो जहाँ पर जाता हूँ मटन बिरयानी का मतलब नाम से कि वहाँ खाने में कुछ ना कुछ ऐसा पंचायती जरूर हो जाता है कि मटन बिरयानी तो नहीं खा पाता। मैंने मंगाया यहाँ पर प्रॉन मंचूरियन जो कि थोड़ा बहुत ड्राई रहेगा, थोड़ा बहुत ग्रेवी, प्रॉन हाका नूडल्स एंड चिकन ड्रमस्टिक। तो मैंने बहुत ही कम प्रॉन का प्रॉन का वीडियो एकदम नहीं बनाया, तो आज शायद मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है जो प्रॉन का जो कुछ कुछ मतलब आइटम्स है मैं टेस्ट करके आप लोगों को बताता हूँ, रिव्यू करता हूँ कैसा है यहाँ। छः पीस दिया गया जिसमें से तीन पीस उसको देना है, जो सबसे ज़्यादा जो मेरे को लगता है ना खराब लगता है वो हो रहा है। तो कोई बात नहीं, ये ले तीन पीस, इसको दे देते पहले, या तो फिर आगे जाके पंचायती करेगा तो वो मेरे को नहीं पसंद आएगा, क्लेम ना कर ले कि चैनल मेरा है, तो इसलिए पहले इसको तीन पीस दो सल्टा लो, ठीक है। तो आप चलो स्टार्ट करता हूँ। इसका टेस्ट कैसा है वो मैटर करता है, बिकॉज चिकन ड्रम स्टिक जो कि सबका एक इमोशन है, लाइक बिरयानी जैसे अगर स्टार्टर में कोई मंगाता है तो यही मंगाता है। चलो पहले इसका खाता हूँ, उसका टेस्ट आप लोगों को बताता हूँ। साइज़ काफ़ी सही दिया हुआ है, देखो अगर आप लोग कहीं भी खाने जाते हो इतना साइज मतलब मिनिमम मिलना ही चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। एज एक्सपेक्टेड बहुत बहुत ही सुपर प्लेट लग, जो इसका जूसी फ्लेवर है चिकन ड्रम स्टिक का मेन जो मतलब एडवांटेज है वो जो सूखा चिकन में अंदर जो जूसी फ्लेवर जो दिया गया है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक नंबर लग रहा है। मेरा रिव्यू का तो जरूरत नहीं है क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा फूड ब्लॉगर रिव्यू दे चुका है, तो मेरा रिव्यू का बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं भी इससे खाना पूछ कर खाता हूँ, घर का खाना भी। वेलकम टू अवर चैनल फूड इज विथ योर हंग्री ब्रदर। देखो सिल्वर फॉल के अंदर आज तक कोई फूड ब्लॉगर आप लोगों को नहीं दिखाया होगा, बट मैं योर हंग्री ब्रदर इतना पर्सनल कनेक्शन बनाने के लिए जो सिल्वर फॉल का अंदर का पार्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतने खाना होता है अपना जो चिकन ड्रमस्टिक है वो हुआ खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉन हाका नूडल्स या प्रॉन मंचूरियन, देख के काफी सही लग रहा है, ऐसे मजा नहीं आएगा, आप लोग शॉर्ट्स देख लो। पर मैंने सर्व तो कर लिया, बट हाँ एक बात का मैं बता दूं, पीछे थोड़ा सा ऑडियंस ज्यादा भीड़ भड़ाका बढ़ गया तो आवाज से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले रहा, बट ये वीडियो एंड तक देखना, एंड तक देखना, बिकॉज अभी प्रॉन हाका नूडल्स और प्रॉन मंचूरियन के जो टेस्ट है ना वो बताना बाकी है यार। तो चलो सबसे पहले नूडल्स को ट्राई करके देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा है विदाउट मंचूरियन। एक नंबर डिश, हाका नूडल्स मेरे को एकदम मतलब रेयरली पसंद है, बट यहाँ का जो हाका नूडल्स है ना प्रॉन हाका नूडल्स वन ऑफ द बेस्ट हाका नूडल्स मैंने अभी तक खाया है। बट हाँ यहाँ पर भी चिल्ला के तारीफ नहीं करना चाहूँगा हर बार की तरह कि भैया बहुत मस्त था, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बता रहे हो बहुत काफ़ी है। तो अब बाकी है प्रॉन मंचूरियन, एक पीस प्रॉन
विद ग्रेवी एवरेज है, मतलब ना अच्छा ना उतना खराब, एवरेज है, बट हाका नूडल्स बहुत बहुत सही है। मतलब अगर मैं कॉम्बिनेशन करके खाता हूँ, मतलब आई होप बहुत ही अच्छा लगने वाला है। चलो एक बार कॉम्बिनेशन करके हाकन रोल्स और हाका मंचूरियन प्रॉन मंचूरियन साथ में ट्राई करके देखता हूँ। मज़ा आ जाएगा गाइस। अगर पप्पू रेस्टोरेंट आओगे ना, चिकन ड्रमस्टिक तो पता ही, यहाँ का बहुत अच्छा होता ही है, मतलब शायद पता ही होगा, बट प्रॉन हाका नूडल्स विथ प्रॉन मंचूरियन जरूर लेना, ट्राई करना, बहुत ही आपको गजब लगने वाला है। तो गाइस अगर मैं ओवरऑल खाने की बात करूँ तो जो मुझे प्रॉन हाका नूडल्स था वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन लगा, और प्रॉन मंचूरियन की बात करूँ तो वो भी मुझे एवरेज लगा। अगर हाकर उड़े के साथ मिलाए खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, अदरवाइज इट्स नॉर्मल, मतलब एक एवरेज सा टेस्ट था। चिकन ड्रमस्टिक था वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब माउथ वाटरिंग था, माउथ मेल्टिंग था, माउथ गजबिंग था। वीडियो को शेयर कीजिए यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आपको लगता है कि ऐसा नॉर्मली फूड ब्लॉग बना देते हैं, बस शॉर्ट्स डाल देते हैं, इसके लिए बहुत मेहनत और मेहनत और पैसा दोनों बहुत लगता है। जितना जन भी देखते हो प्लीज़ से शेयर करो गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ अपना थॉट्स, अपना जो भी सजेशन, आपको कौन सा अच्छा लगा पार्ट, चाहते थे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर आपको डाउट्स हो तो आप मेरे को यहाँ पर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।